इन मोतियों के आभूषण पहनकर दीपावली पर हम वृंदावन की सबसे सुंदर गोपियाँ लगेंगी। इनसे सजकर हम ऐसे चमक उठेंगी जैसे दीपों की पंक्तियों से घर। तुमने देखा ये लड़कियाँ मुझे किस प्रकार अनदेखा कर रही हैं बलराम? सुंदर रूप के चकाचौंध में अंधी हैं मेरे भाई, तभी अनदेखा कर रही हैं। वो तो है ही, पर मेरे विचार से वो नहीं चाहती मैं उनके मोतियों के आभूषण देखूं जो वो दीपावली के लिए बना रही हैं। चलो देखते हैं क्या ये हमारे साथ अपने आभूषण बांटने को तैयार है। तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ गोपियों, किंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे आभूषणों की सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे मित्र भी दीपावली का त्योहार मनाना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपने कुछ मोती दोगी ताकि वो भी तुम्हारी तरह अपनी सुंदरता बढ़ा सके? मुझे नहीं पता था कि सुबाला और मधु को अपनी सुंदरता का इतना ध्यान है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब था हंसी और हरिणी। प्यारी गोपियों, तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने इन भोली भाली गायों के साथ अपने आभूषण बांटने की मेरी विनती भी अनसुनी कर दी। तुम बड़े अच्छे हो कृष्णा, पर ये मोती केवल राजा रानियों के लिए हैं। तो तुमने सिर्फ दो गायों के लिए ही क्यों मांगा? अपनी सारी गायों के लिए मांगना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारे सारे मोती नहीं चाहिए ललिता, बस मेरी दो सबसे प्रिय गायों के सींगों को सजाने के लिए थोड़े से। माफ कर दो कृष्णा, पर मेरे पास तुम्हारी गायों को देने के लिए एक भी मोती नहीं है। ठीक है ठीक है, रहने दो, इनके लिए मैं मोती ढूंढ लूंगा। उन्होंने मना कर दिया हा? ना तो गायों के लिए कोई सम्मान है ना मेरे लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। सभी असुर इस प्रयास में प्राणों से हाथ धो बैठे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे काल को मारने में सफल हो? क्योंकि मैं हूँ केशी और मेरे पैरों तले धरनी कांप उठती है। निकालूंगा महाराज कंस और उसे अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। मोतियों का वृक्ष? मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्ण। विश्वास करो मैया, यदि तुम मुझे मोती दोगी तो उन्हें बोकर मैं इतने मोती उगाऊंगा कि हम अपनी सारी गायों को दीपावली पर मोतियों से सजाएंगे। ओ मेरे नन्हे कृष्ण, मोती फलों की तरह नहीं उगते, वो बनते हैं सुदूर समंदर की सीपियों में। प्यारी मैया, मुझे थोड़े से मोती दे दो ना। वचन देता हूँ 3 दिनों में वो उगाएंगे और तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक मोती होंगे। मैं तुम्हें कभी भी ना नहीं कह सकती मेरे दुलारी कृष्णा। मेरी प्यारी मैया, धन्यवाद। क्या हम मोतियों की खेती करने के स्थान पर स्वादिष्ट ताजा मक्खन नहीं उगा सकते? मूर्खों की तरह बात न करो मधु, मक्खन पेड़ पर नहीं लगता, तुम्हारे पेट पर लगता है। तुमने समाचार सुना रहा था, वृंदावन में सभी एक नए किसान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहा है? तुम मेरे कंगन बोकर मेरे लिए नए कंगन उगा दो ना कृष्ण। एक बार मेरे खेत में मोतियों की फसल आ जाने दो, फिर देखते हैं कि कौन किस पर हंसता है। कृष्णा, क्या हम लड्डुओं की भी खेती कर सकते हैं? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी है, तुम्हारे और सुबाला के लिए एक काम है। गोपियों रुको, अगर तुम्हें बोने के लिए और मोती चाहिए तो हमारे पास नहीं है। ओ,
हमारे पास सुंदर से मोती हैं, लेकिन कृष्णा ने पूछा है क्या तुम हमें थोड़ा सा दूध दे सकती हो? ओह, खेत में काम करके इन्हें प्यास लगाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, दूध तो उसे अपना खेत सींचने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। विशाखा ठीक कहती है, कृष्ण के पवित्र मोतियों के लिए इससे काम नहीं बनेगा, तुम्हें चाहिए नागफनी का दूध। सुना है तालवन के सिपाहियों के सामने किसी बालक ने तेनों का सुर का वध कर दिया, क्या ये सत्य है? वो दिखने में कैसा था? उसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था, वो पीली पंखों में था और वो बांसुरी बजा रहा था। दूध मोतियों के साथ मनुष्यों को भी बढ़ने में सहायता करता है। जितनी इच्छा उतना दूध पी लेना मधु, बस एक बार तुम जैसे गोल मटोल मोती उग जाए। कृष्णा देखो, मोती अंकुरित होने लगे, मोती अंकुरित होने लगे। इनकी सुगंध अद्भुत है। भावरे भी इनकी सुगंध से मदमस्त हो रहे हैं। ये अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मोतियों से मैया, वो उगने लगे। उग तो रही है, परंतु मोतिया नहीं, कांटे। मोती खिला। ये तो हमारे कोई मोतियों से कहीं अधिक सुंदर और बड़े हैं। हम धनी हो गए। अवश्य कृष्ण का कोई छल है, ये नकली मोती हैं। मैंने आज तक ऐसे सुंदर मोती नहीं देखे। इतनी सारी मोती, कितनी सुंदर है। इसी का भय था, कृष्ण की मोतियों के सामने हमारे मोती फीके दिखने लगेंगे। अगर हम उसे कुछ मोती मांगे तो वह बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। हमारा दुर्व्यवहार देखकर अब वह हमें मोती तो नहीं, ताने अवश्य देगा। इस दीपावली पर हम सबके हास्य का पात्र बनेंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें पता है कृष्ण ने मोती कैसे उगाए हैं। ये बड़ा सरल है, हम भी मोतियों की खेती करेंगी। हाँ, और हमारी मोती उसकी मोतियों से अधिक सुंदर होंगी। क्या तुम लोग पागल हो गई हो? कृष्णा ने ऐसी सरलता से कर लिया तो क्या तुम भी कर लोगी? उसने तो गोवर्धन भी उठा लिया था, तो क्या तुम भी उठा लोगी? मोतियों की खेती आसान नहीं है, देवताओं के लिए भी। कृष्णा तो हमेशा ही ऐसे चमत्कार करता रहता है, पर क्या तुमने कभी एक भी चमत्कार किया है? मोतियों की खेती कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई माया नहीं, वृंदावन की दिव्य भूमि है ही इतनी उपजाऊ। हाँ, हमारे वृंदावन की दिव्य भूमि यमुना के जल की तरह अद्भुत है। हम मोती बोएंगे और दूध के साथ साथ उन्हें घी और माखन से सींचेंगे। तब तो कृष्ण की मोतियों से हमारे मोती कहीं अधिक सुंदर और बड़े उगेंगे। आओ रुको, बोना ही है तो ये छोटे मोती क्यों? हमारी माओ के पास बड़े बड़े आभूषण हैं। हाँ, जितने बड़े बीज उतने सुंदर फल। विशाखा, राधा। ओह, सच में माँ, तुम्हें इनसे 10 गुना मोती वापस मिलेंगे। घबराओ मत मैया, हमें अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। दिनों से
लगी हुई हैं। उग रही है तो केवल जंगली घास। किंतु जितने मक्खन और घी से उन्हें सींचा जा रहा है, ये घास बड़ी स्वादिष्ट हो गई होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि उनके भी मोती हो गए? नहीं, मैं चाहता हूँ वो घी मक्खन को बर्बाद न करके उनका सदुपयोग करे। कृष्णा, मेरे सच्चे मित्र, क्या मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी धोती, बांसुरी और मोरपंख मिलेंगे? ओह, तुम बड़े चतुर हो मधु। मेरे विचार से लड़कियाँ एक थके हारे मोतियों के किसान के साथ अपना घी मक्खन अवश्य बांटेंगी। कौन है? कृष्णा, यदि तुम हमसे हमारे सुंदर मोती मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना मुख दिखाने में भी लज्जा हो रही है। तुम तो मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह से मोतियों की खेती कर रही हो। यदि तुम थोड़ा सा घी और माखन मुझे दे दो तो मैं अपने मोती कम से कम तुम्हारे मोतियों के आधे आकार के तो कर सकूं। अब जबकि तुम अपना घमंड फुलाकर हमारे पास आए हो, हम थोड़ा सा माखन तुम्हारे साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ? गोपियों, इधर आओ। तुमने देखा हमारे मोतियों के ये पौधे कृष्ण के मोतियों से अलग हैं। ललिता सच कहती है, हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं उगा, सिर्फ कांटों वाले पौधे उगे हैं। ये बात किसी को पता न चलने पाए, विशेष तौर पर माताओं को। हार्दिक शुभकामनाएं। सुना है तुम्हारे खेत में फसल लहलहा उठी है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? एक नन्ही चिड़िया ने, जिसके पैर में कांटा चुभ गया था। चलो मित्रों, त्योहार के लिए अपनी गायों को सजाया जाए। माताओं को जब पता चलेगा कि हमने उनके सारे मोती खो दिए तो वो बड़ी क्रोधित होंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सब कृष्णा ने किया। मैं समझी नहीं विशाखा। वो झाड़ियों में छुपा था, याद है? उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे पौधे उखाड़ कर उनके जगह कटीले पौधे लगा दिए होंगे। इस बार उसने उत्पाद की सीमा लांग दी है। मैं मैया यशोदा को बताऊंगी। क्या बताओगी राधा? कि कृष्णा ने इतने सुंदर सुंदर मोती उगाए कि उससे सुंदर मोती उगाने के लिए तुमने अपनी माँ के मोती भी खो दिए। ललिता ठीक कहती है, कृष्ण ने हमें छला हो या हमने स्वयं को छला हो, हमारी परिस्थिति वही है। हमारे पास एक भी मोती नहीं है। यदि हमारी माताओं को पता चला तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। परंतु वृंदावन में मोती मिलना इतना सरल नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं। हमें कृष्ण से पूछना चाहिए कि क्या वो अपने कुछ मोती हमें बेचेगा। धोती वाला बालक जिसके पास बांसुरी और मोरपंख भी है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चलो यमुना जी। इतना सारा माखन और घी खाकर तो मेरा पेट भर गया। लगता नहीं कि मैं महीने भर तक और कुछ खाऊंगा। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला कंस के काल। मैं काल नहीं, मधुमंगल हूँ। नहीं, तू कंस का काल कैसे बनेगा? क्योंकि मेरे पैरों से कुचले जाने के बाद तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। हाँ।
कम से कम उस लड़के में थोड़ा बहुत मांस तो था। तुझे तो मैं बाएं पैर से ही मार दूंगा बच्चे। इससे डरो मत केशी, बिल्कुल हमारे खेलने वाले काठी के घोड़ों जैसा है। अब देखेगा तो कि मैं कितना खतरनाक हूँ और क्या कर सकता हूँ। पूर्वक इसे मुझ तक तो तुम ही लाए। मैं अब कभी भी तुम्हारा रूप नहीं धरूंगा कृष्णा, चाहे जितना भी घी माखन मुझे खाने को मिले। बहुत सही कहा मधु, ये राय दुरुस्त आए। बड़ी अच्छी फसल लहलाने लगी। हाँ, बस बेचारे गोपिकाओं के फसल में कुछ भी नहीं होगा, लगता है उनके सारे मोती कीड़े खा गए। हमने सुना है कि कृष्ण अतिरिक्त मोती बेच रहा है सुबाला, हमें भी कुछ खरीदने की इच्छा है। परंतु मोती के बदले तुम दोगे क्या राधा? दूध मक्खन तो यहाँ नहीं चलेंगे। एक बात बताओ, तुम वही गोपियाँ हो ना जिन्होंने मेरी गायों के लिए मोती और मेरी मोतियों की खेती के लिए थोड़ा सा दूध देने से मना कर दिया था? मैं अपने सारे मोती यमुना में फेंक सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक भी नहीं देने वाला। हम स्वर्ण से मोल चुकाएंगी। तुम्हारे घरों का सारा धन और तुम्हारे घर का मूल्य भी जोड़ दो, तब भी मेरे एक मोती का मूल्य नहीं चुका पाओगी। तुम हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्णा? कृपा करो कृष्ण, हम अपनी माताओं के लिए तुम्हारे मोतियों की मूल्य से अधिक चुकाने को तैयार हैं। तुम्हारी माताएं? अच्छा, तब बात अलग है। तुम तो जानते ही हो माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाता हूँ, है ना मित्रों? कृष्णा को मैया से बड़ा प्रेम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी माताओं को मेरे सबसे सुंदर मोती मिलेंगे। धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद कृष्णा, तुम बड़े दयालु हो। वो तो मैं हूँ ही, पर धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी प्यारी माताओं का करो।